हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया, दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे। इन्होंने भारतीय सेना के कैंप पे अटैक किया था, कई नॉन लोकल्स की किलिंग में शामिल रहे। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने ऑपरेशन हल्कन गली में बहुत ही बहादुरी से एक सक्सेसफुल ऑपरेशन को दुर्भर इलाके में अंजाम दिया। पिछले कुछ महीने से हमें पैफ ग्रुप की अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हरकत की खबर आ रही थी और 8 अक्टूबर को इस ग्रुप ने शेखपुरा इलाके में 162 टीए के राइफलमैन हिलाल को मार गिराया और वहां से फिर ये कुलगांव की तरफ भाग गए। हमें एक बड़ी उपलब्धि तब मिली जब हमें एक सटीक खबर आई कि ये टेररिस्ट ग्रुप लारू इलाके में वापस पहुंच गया है और वहां पर हरकत कर रहा है। इस खबर पे भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट प्लान बनाया और ऑपरेशन हल्कन गली को लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस, 7 पैरा स्पेशल फोर्सेस और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने एक साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया। हल्कन गली पे हमारे सतर्क जवानों ने टेररिस्ट का मूवमेंट नोटिस किया और जैसे ही टेररिस्ट पास आए उन्हें कवर में रहते हुए चैलेंज किया। टेररिस्ट ने अंधाधुंध फायर शुरू कर दिया और हमारे सतर्क जवानों ने बहुत ही बहादुरी और संयम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें दोनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन दोनों टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें M4 राइफल, AK-47 राइफल, ग्रेनेड्स, 3 IDs और भारी तादाद में एमिनेशन मिला है। ये दोनों टेररिस्ट बहुत ही खूंखार टेररिस्ट थे और बहुत सारे ऑपरेशंस और या टेररिस्ट हादसों को अंजाम दे चुके थे, जिसमें 3 और 4 अगस्त को 2023 में कुलगांव के हालन में इन्होंने भारतीय सेना के कैंप पे अटैक किया था, कई नॉन लोकल्स की किलिंग में शामिल रहे और साथ ही 7 और 8 अक्टूबर को राइफलमैन हिलाल को मारा था। इन दोनों टेररिस्ट के मारे जाने से एलईटी और पैफ को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि इनमें से एक टेररिस्ट अरबाज मीर है जो कि 2018 में पाकिस्तान चला गया था और बड़े लंबे समय तक वहां पर ट्रेनिंग लेके 2022 और 23 में वापस आया और इन काफ़ी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा। इस ऑपरेशन की सक्सेस का श्रेय मैं अनंतनाग की जनता को देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही सटीक खबर दी और पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें भरपूर अपना समर्थन दिया। ये ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर में स्थित सारी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जय हिंद। जैसा कि आपको मालूम है कि आज सुबह जो है वो हल्कन गली में, जो कि लारनो पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में आता है, वहाँ पे जो है वो एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। इस एनकाउंटर में जो है वो दो लोकल जो टेररिस्ट थे वो न्यूट्रलाइज हुए। जहाँ तक इस ऑपरेशन का सवाल है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऑपरेशन जो है वो इसके पीछे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और आर्मी जो है वो के जवानों ने सुबह आज जो है वो इलाके का मुहासरा किया, जहाँ पे हमें जो है वो इस ये खबर मिली थी कि यहाँ जो है टेररिस्ट की मूवमेंट जो है इस एरिया में हो रही है। ड्यूरिंग ऑपरेशन जो है वो मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में जो है वो दोनों आतंकवादी जो है वो मारे गए। जहाँ तक जो
टेररिस्ट जो है जो इस एनकाउंटर में जो है न्यूट्रलाइज हुए, उनकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी हुई है उसके मुताबिक जो है वो इसमें से एक जाहिद रशीद जो है जो हसनपुरा बिजबिहारा का रहने वाला है, जो 2024 में अप्रैल के महीने में एक नॉन लोकल लेबरर को उसने वहाँ पे मारा और उसके बाद उसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की। दूसरा जो टेररिस्ट जो है जो इस मुठभेड़ में जो है वो न्यूट्रलाइज हुआ, उसका नाम जो है वो अरबाज मीर है, ये कोयमू का रहने वाला है, ये 2018 से जो है वो मिसिंग था और 2018 से ही जो है इसने टेररिस्ट रैंक्स जो है वो ज्वाइन की थी। ये दोनों टेररिस्ट जो है वो बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो साउथ कश्मीर में इन्वॉल्व थे, जिसमें से हालन में एक जो है वो आर्मी के जवानों को जो है पे अटैक हुआ जिसमें कई जवान जो है वो शहीद हुए। 8 अक्टूबर 2024 को हिलाल अहमद राइफलमैन जो कि टीए का जो है वो राइफलमैन था उसको उन्होंने शहीद किया। उसके बाद ही जो है वो उनकी मूवमेंट पे जो है वो हमारी जो है वो नज़र थी और आज जो है वो एनकाउंटर जो है वो इसमें दोनों न्यूट्रलाइज हुए। सर ये बताया जा रहा है कि जो इनपुट था 3 मिलिटेंट्स, तो क्या कोई और मिलिटेंट इसमें शामिल था और जो वहां से फरार होने में कामयाब? नहीं, इनपुट्स के मुताबिक जो है वो सिर्फ 2 की खबर थी और दोनों जो है वो टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। डीआरजी साहब, ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट सर वी हैव सीन दैट मिलिटेंसी एक्टिविटीज आर वेरी मच गेनिंग द मोमेंटम। दो ब्रिगेडियर फर्स्ट सेक्टर हैज सेड दैट इट इज अज आई मीन सक्सेस फॉर द आर्मी एज वेल एज पुलिस, but why so sir this time in and time out we are seeing such type of activities? देखिए ऐसा नहीं है, जहाँ तक साउथ कश्मीर का सवाल है, पिछले एक साल से कई जो है वो टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। ये जो है वो ये अभी 2 महीने पहले अडीगाम में, उसके पहले चीनी गांव में, मडर गांव में कई एनकाउंटर्स हुए जिसमें कई दहशतगर्द जो है वो न्यूट्रलाइज हुए। दहशतगर्द जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल ख़राब करें, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो बिल्कुल सतर्क हैं और जो है वो कोई भी डिज़ाइन जो है टेररिस्ट का जो है वो हम नाकाम करने के लिए यहाँ पे जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। सर, कम समय में ये ऑपरेशन समाप्त हुआ है जिसमें 2 टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं, कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी के लिए? देखिए पहले ही हमने बताया कि ये टॉप जो है वो रैंकिंग टेररिस्ट थे और इनकी जो एक्टिविटीज जो है वो पूरे साउथ कश्मीर में थी और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज में थी, इसलिए इनकी का जो है इनकी जो किलिंग है इट इज इंडीड ए वेरी ग्रेट सक्सेस फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।